पंजाबी आइकॉन अवार्ड्स, ये पंजाबी कल्चरल हेरिटेज बोर्ड जो मुंबई का है, लगातार 9वां साल है हम ये आयोजित करते हैं। यानी पंजाबियों ने पूरे विश्व के अंदर कीर्तिमान हासिल किए हैं, तो ऐसे चुने हुए जो पंजाबी कौम के हीरे हैं उनको हम इकट्ठा करके यहाँ पर बुलाते हैं, जो हमारी नई जनरेशन है उनको प्रेरणा देने के लिए। और इसी बहाने से बैसाखी मनाई जाती है, सिखों का, पंजाबियों का ये त्यौहार, नया साल। और इसी दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की साजना की थी और ये खुशी से हम सब मनाते हैं यहाँ पर। आज यहाँ पर हर एक फील्ड से हैं, लाइक इंडस्ट्री कैटेगरी से ओंकार कंवर हैं, उसी तरह से जसपाल बिंद्रा जी, हरमनप्रीत कौर जो क्रिकेट की कैप्टन रही हैं, विक्की कौशल जो फिल्मी सितारे हैं, इसी तरह से रणवीर ब्रार जो शेफ हैं। तो अलग अलग फील्ड से, जर्नलिज्म से सिमी चंडोक जो टाइम्स नाउ चैनल से हैं, हमने अलग अलग फील्ड से एक एक व्यक्ति को चुना है और मुझे लगता है इस कार्यक्रम की यही एक खूबसूरती है। कुछ नहीं, आज यहाँ इलेक्शन नहीं, आज यहाँ पर बैसाखी केवल मनाई जा रही है। अपनी बोली, अपनी कम्युनिटी जब अवार्ड देती है तब लगता है कि वाकई जो है लाइफ में कुछ अचीव किया है। अब जिम्मेदारियों का एहसास और बढ़ जाएगा और अच्छा लगता है, क्योंकि आए दिन आई एम वुमन हर अवार्ड सेरेमनी में, फंक्शन में उपस्थिति होती है, लेकिन जब अपनी कम्युनिटी खासकर अवार्ड देती है तब ज़्यादा जो है उत्साहित आदमी महसूस करता है। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द इवेंट एंड आई एम रियली थैंकफुल टू दी टीम एंड सपरा जी कि जिन्होंने मैनू जो है इस लायक समझे। तो बहुत बहुत चंगा लगता पे है। बैसाखी नहीं, सारे ढेर सारी शुभकामनाएं। जी जी जी, भाई घर परिवार वालों के साथ सेलिब्रेट करते थे, अब तो वो गलियां, वो मोहल्ले, वो चौराहा भी छूट गया और मुंबई आ गए, लेकिन याद आती है। रेवड़ियाँ खाया करते थे, फुल्ले खाया करते थे, पापड़ भी रोस्ट कर लिया करते थे, पकौड़े भी हो जाते थे। तो है बैसाखी की सारी यादें, फिर गुरुद्वारे जाके दर्शन किया करते थे, तो वो सब यादें हैं। तो अब एसोसिएशन जो है जुड़ गया है, तो लगता है कि पंजाब छूट गया है लेकिन पंजाबी नहीं छूटे। तो ज़रूर, क्यों नहीं, पंजाबियाँ दी मतलब ऑलवेज चार्ज, अब बैटरी चार्ज रहती है। यार मैं अभी देखिए, इट विल बी टू अर्ली फॉर मी, लेकिन एक वेब शो है जो मैं कर रहा हूँ, एक फिल्म है संजय मिश्रा के साथ वो एक कर रहा हूँ, प्लस रेडियो भी करता हूँ रेगुलर, इसमें तो हैं दो तीन चीज़ें, और किचन चैम्पियंस मैंने कल ही शूट किया है जो कलर्स पर आता है। सो आई जस्ट डिड वन एपिसोड फॉर देम एज अ गेस्ट अपीयरेंस, सो आई डिड दैट। तो बहुत कमाल करा, आप देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ वाकई कमाल करा। यार बिग बॉस के बाद में लंबी कंटिन्यूटी तो दो चार शोज़ में रही, नच बलिए भी रहा जहाँ मेरी बेटर हाफ वॉज विथ मी, और दो चार शोज़ रहे, लेकिन उस तरह का शो जो है, अमूमन क्या होता है ना, नॉन फिक्शन बनते कम हैं, फिक्शन ज़्यादा बनते हैं, और नॉन फिक्शन के फेसेस भी बहुत कम होते हैं, कि जो हर नॉन फिक्शन में हर किसी को नहीं लिया जा सकता, तो वो दिक्कत हो जाती है, थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं। अभी देखने वाले थोड़ा सा वाइडर ऑडियंस करें, वाइडर वो करें, तो शायद हम भी काम वाम करें और ज़्यादा। नहीं भाई, ये सब फालतू बातें हैं, कोई चूजी वूजी आदमी होता नहीं है। डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोजेक्ट जो है एक्चुअली आपके लिए फेवरेबल होता है। बिग बॉस मेरे लिए ज़्यादा फेवरेबल रहा, नच बलिए कम रहा, आईफा अवार्ड्स भी अच्छा रहा, फिर बॉक्स क्रिकेट लीग आई डिड विद सुमित व्यास, सो बहुत सारा काम किया है, लेकिन क्योंकि चर्चा में बिग बॉस ज़्यादा रहा इसलिए लगता है कि हाँ टॉक ऑफ द टाउन शो रहा है ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सॉरी,
देखो बड़ी हसीन शाम है, खूबसूरत शाम है और पंजाब का ये बहुत एक अहम त्यौहार है जो बैसाखी है, तो आज उसकी शाम है और इसके बहुत ही गहरे संबंध हैं पंजाब के साथ। बैसाखी एक ऐसा त्यौहार है जिसमें बहुत सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं और जब हम ये त्यौहार मनाते हैं तो बहुत सी यादें ताज़ा होती हैं। ये एक हमारी जो कौम है, सिख कौम है, उसका आईना है ये, तो बड़ा अच्छा त्यौहार, बड़ा अच्छा लग रहा है कि उन्होंने मेरे को एज ए चीफ गेस्ट यहाँ बुलाया है। तो मैं सभी पंजाबियों का, सभी लोगों का इस मौके पे शुक्रिया भी करता हूँ और ये भी कहता हूँ कि उन्होंने मेरे को याद किया, तो उनके जो मेरे बारे में जो सोच है, मैं उनके बारे उनके बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इलेक्शंस तो हैं ही हैं, सभी जुटे हुए हैं, सारा हिंदुस्तान आज इलेक्शन के मोड में है, तो वो तो चल ही रहा है, लेकिन इसकी एक अपनी अहमियत है, ये इलेक्शन से मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। सभी को बैसाखी की बहुत शुभकामनाएं एंड बहुत खुशी की बात है सबरा साहब हमारे साथ हैं एंड द हैंडसम मैन विक्की भाजी, सो वी ऑल आर सेलिब्रेटिंग बैसाखी जो कि हमारे पंजाब की शान है एंड थैंक्स टू सबरा साहब के हर साल ये इतना बड़ा प्रोग्राम करते हैं पंजाबी के लिए और 13 तारीख को हमेशा किसानों की फसल कटती है और पंजाबियों का न्यू ईयर होता है। पहले तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा सबरा साहब को मुझे इसका हिस्सा बनाने के लिए। मैं एक्चुअली बचपन से यहाँ आया करता था, कई बार मैं मान साहब के परफॉर्मेंसेज यहाँ देखा करता था और तो आज जब इस तरीके से आने का मौका मिल रहा है बहुत अच्छा लग रहा है एंड सचमुच बैसाखी हम लोग के लिए बहुत स्पेशल होती है पंजाबियों के लिए और पंजाबियों के बीच सेलिब्रेट करना हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। सो थैंक यू सबरा साहब फॉर मेकिंग दिस हैपन। हाँ जी, बैसाखी हमेशा हमारे लिए बहुत शुभ अवसर होता है, कभी भी कुछ अच्छा करने की एकदम एक होता है कि चलो यार बैसाखी वाले दिन शुरुआत करेंगे उसकी, तो बहुत अच्छा एक माहौल होता है। पंजाब में भी इट्स अ वेरी वाइब्रेंट फेस्टिवल दैट वी सेलिब्रेट, इट्स अ न्यू ईयर फॉर अस, तो इट्स अ वेरी ऑस्पिशियस थिंग दैट वी हमें हमारे लिए बहुत ऑस्पिशियस हमें मानते हैं इसे और सेलिब्रेट करने में मानते हैं हम तो अपनों के साथ, दोस्तों के साथ, परिवार के साथ और वही सेलिब्रेशन होती है कि खुशियां बांटो और उसी में सेलिब्रेट हो जाते हैं, बाकी पंजाबी तो हर रोज़ ही सेलिब्रेट कर लेते हैं कुछ ना कुछ रीज़न। वेल मुझे अच्छा लग रहा है कि आज मैं फिर पंजाबी गाने गाऊंगा और बहुत कम टाइम होता है आजकल, बॉलीवुड में हिंदी गाने बहुत आते हैं लेकिन पंजाबी तड़का तो चलते ही रहता है, तो
आज फिर इंजॉय करेंगे एंड थैंक यू सबरा साहब, थैंक यू। ਮੋਟਿਆਂ ਦੇ ਰੱਖ ਡਾਂਗਾ ਆਉਂਦੇ ਗੱਭਰੂ, ਅਧੂੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਗੱਭਰੂ, ਬੋਲੀ ਉੱਤੇ ਬੋਲੀ ਅੱਜ ਪਾਉਣ ਗੱਭਰੂ, ਨੀ ਦੱਸ ਜਾਣ ਗੱਭਰੂ, ਪੱਕਣੇ ਚ ਮੱਕਰੇ ਬੁਲਾਉਣ ਗੱਭਰੂ, ਨੀ ਬੁਲਾਉਣ ਗੱਭਰੂ। ਮੈਂ ਮਿੱਕਾ ਭਾਜੀ ਕੋ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲਾ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਹਾਂ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾਤਾ। ਬਟ ਨੋ, ਆਈ ਬੀਨ ਅ ਹਿਊਜ ਐਡਮਾਇਰ ਮਿੱਕਾ ਭਾਜੀ ਕਾ, ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੇ ਐਸੇ ਸੁਣਾ ਤੋ ਇਕਦਮ ਬਾਸ਼ੇ ਖਿਲ ਗਏ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਮਾਰੇ। ਬਟ ਬਟ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੋਰ ਡੂਇੰਗ ਦਿਸ ਭਾਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਦੇਖੀਏ, ਹਮਾਰੇ ਮਿੱਟੀ ਸੇ ਜੁੜਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਔਨਰ ਹਮੇ ਮਿਲਤਾ ਹੈ ਤੋ ਹਮਾਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੀਲ ਹੋਤਾ ਹੈ ਹਮੇ, ਜੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੋ ਸੇ ਜਬ ਤਾਰੀਫ ਮਿਲਤੀ ਹੈ ਤੋ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੱਗਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਈਕਨ ਅਵਾਰਡ ਕਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਨਰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਜਹਾਂ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਤਾ ਵਹਾਂ ਚਲੇ ਜਾਤਾ ਹੂੰ, ਉਲਟਾ ਤਰੀਕਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸਕੀ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਮੈਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਤੋ ਇਸਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਸੇ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਮੈਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਮੁੰਬਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਰਹਿਤੇ ਹੈ ਔਰ ਯਹਾਂ ਪੇ ਪੰਜਾਬੀਓ ਕੋ ਜੈਸੇ ਬੋਲਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਣੇ ਕੇ ਲੀ ਉਨਕੋ ਅੱਛਾ ਗਾਣੇ ਕੇ ਲੀ ਆਪਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਾਮ ਕੀਆ ਐਸੇ ਅਵਾਰਡ ਹੋਤੇ ਹੈ ਔਰ ਹਮ ਯਹਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨੇ ਆਤੇ ਹੈ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੋ ਮਿਲਤੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੋਂਸ ਥਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਆ ਲੋਗੋ ਨੇ ਔਰ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੇ ਗਾਣਾ ਕਰਨਾ ਥਾ ਜੀ ਤੋ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਸੇ ਗਾਣਾ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਸੁਰਮਾ ਕਾਲਾ ਜੀ ਟਾਈਟਲ ਆਜ ਹੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੋਂਸ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੋਂਸ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਯਹਾਂ ਪੇ ਆਏ ਹੋ ਔਡੀਅੰਸ ਕੋ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਐਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਇਸ ਲਈ ਬੜ ਜਾਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਲੋਕ ਹੋ ਗਈ, ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਆਪਕੋ ਜੁੜ ਜਾਤੀ ਹੈ ਆਪਕੇ ਸਾਥ, ਤੋ ਉਨਕੋ ਲਗਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਭੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਇਸਕਾ ਪਿਛਲਾ ਗਾਣਾ ਐਸਾ ਥਾ, ਅਗਲਾ ਗਾਣਾ ਔਰ ਅੱਛਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਤੋ ਇਸਕੀ ਹਮੇ ਖੁਦ ਸੇ ਟੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨਾ ਸੋਚਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਸਕਾ ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਥਾ ਵਹੀ ਅੱਛਾ ਥਾ, ਤੋ ਜਬ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਆ ਗਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਜੀ, ਕਲਪਨਾ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ ਔਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਮੈਮ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਫਿਲਮ ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੂਟ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਨਾ ਲੰਬਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸ਼ੂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਆ, ਬਟ ਮੁਝੇ ਪਤਾ ਚਲਾ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮੋਂ ਕਾ ਇਸ ਸੇ ਵੀ ਬੜਾ ਇਸ ਸੇ ਵੀ ਲੰਬਾ ਸ਼ੂਟ ਹੋਤਾ ਹੈ
बट हम इन्जॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छा दिल से बना रहे हैं और इसमें मैं एक्साइटेड हूँ अपनी लुक्स के लिए। मेरी फिल्म में 2-3 लुक्स हैं जो लोगों को पहली बार देखने को मिलेंगे। उनके साथ बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि वो खुद चंडीगढ़ रह के आई हैं पहले, तो हमारी बहुत चीज़ें कॉमन हैं, बातें करते रहते हैं। बहुत अच्छा अच्छा फील होता है। बहुत शोर चल रहा है, मैं सुना नहीं पाऊंगा क्योंकि वो कान में आती रहती है आवाज़, बट हाँ स्टेज पे जरूर सुना के जाऊंगा, सुन के जाना।